नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, ओपन कास्ट माइंस का एक इंपॉर्टेंट मशीन आता है। क्या आता है दोस्तों? ब्लास्ट होल ड्रिल या ड्रिल मशीन। क्यों जरूरी है भाई? अब ओपन कास्ट में हमको अगर ब्लास्टिंग करना है तो पहले होल करना पड़ेगा, और होल कौन करेगा? ड्रिल मशीन करेगा। ठीक है, तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्या बोलता है इसका पहला क्वेश्चन में कि भाई जो हमारे जो ड्रिल मशीन है, ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन है, वो टायर पे है या क्लाउलर चैन पे है? तो ये क्लाउलर चैन पे है। चलती किससे भैया, डीजल से या इलेक्ट्रिक से? भैया ये इलेक्ट्रिक से चलती है। दूसरा क्वेश्चन खत्म आपका। अब तीसरा क्वेश्चन मेरा ये दाग दे कि भाई ये जो ब्लास्ट होल ड्रिल जो है ना मशीन, ये कहते किसको है? इसका मेन टर्म कंडीशन क्या है भाई? कैसे ये ड्रिल मशीन जो है ये होल के लिए, मतलब ब्लास्टिंग के लिए होल मारता है? क्या है इसमें मेन फंडा क्या है? देखिए क्या बोलता है इसमें कि रोलर बीट वाली ड्रिल। क्या है? रोलर बीट वाली ड्रिल जो है जिसमें होल से ड्रिल कटिंग कंप्रेस्ड एयर, ये जो ड्रिल कटिंग कंप्रेस्ड एयर जो है ना, यही इसका परिभाषा डिफिनेशन का मेन टर्म है कि जो हम छेद करते हैं, ड्रिल जो कर रहे हैं, उसका जो मलबा है वो कंप्रेस्ड एयर के द्वारा क्या करेगा, होल से बाहर फेंकता चला जाएगा। जब होल फेंकेगा, जब होल खाली होगा तभी तो बारूद डालेंगे ना उस पर। तो इस ड्रिल मशीन का जो है मेन फंडा क्या है कि ड्रिल कटिंग कंप्रेस्ड एयर से बाहर निकाले जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मशीन को ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन या ड्रिल मशीन हम लोग बोलते हैं। क्या है मेन फंडा कि रोलर बीट वाली ड्रिल, रोलर बीट वाली ड्रिल जिसमें क्या लगा हुआ है, ड्रिल कटिंग कंप्रेस्ड एयर के साथ आपको बाहर निकाले जाते हैं, वैसी जो मशीन है वो क्या कहलाएगी? हमारी ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन या ड्रिल मशीन कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी खत्म आपका। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया मेरे इंडिया में जो है ना वो कौन कौन से साइज का, कौन कौन से डाया का जो हमारा ड्रिल मशीन है वो चलन में है। तो कौन कौन सा चलन में है? 150 mm, 200 mm, 250 mm और 310 mm डायमीटर का होल करने वाला ड्रिल मशीन जो है हमारे इंडिया में क्या है कि वो चलन में है। कितना कितना? 150, 200, 250 और 310 mm डायमीटर का होल करने वाला जो ड्रिल मशीन है वो मेरे इंडिया भाई चलन में। चलिए आपका ये भी क्वेश्चन खत्म। अब आता है कि ड्रग लाइन के लिए भैया जो होल जो है ना वो ड्रिल मशीन कितना गहरा मारेगा, कितना गहरा मारेगा? मोर देन 40 मीटर। ड्रग लाइन के लिए जो पैच है जो बनाई जाएगी उसमें जो ब्लास्टिंग के लिए होल करेंगे उसमें कितना करेंगे? मोर देन 40 मीटर। चलिए ये क्वेश्चन भी खत्म आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलता है कि ड्रिल मशीन का फीड मैकेनिज्म किस पर चलता है? ड्रिल मशीन का जो है फीड मैकेनिज्म किस पे चलता है? हाइड्रोलिक पंप पे चलता है दोस्तों। फीड मैकेनिज्म किस पे चलता है? हाइड्रोलिक पंप पे चलता है। ड्रिल मशीन का फीड मैकेनिज्म किस पे चला? हाइड्रोलिक पंप पे चलता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ड्रिल, जो ड्रिल मशीन में जो हम लोग ड्रिल लगाते हैं ना उसका लेंथ कितना होता है भाई? एक रॉड जो हम लोग लिए उस रॉड का लेंथ ड्रिल मशीन में कितना है? 10 से 12 मीटर का ड्रिल का जो रॉड का जो लेंथ है वो कितना होता है? 10 से 12 मीटर होता है दोस्तों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन से कितने रॉड तक का होल कर सकते हैं? जो मेरा ड्रिल मशीन है, ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन है, इससे हम लोग कितने रॉड तक जोड़कर हम लोग होल कर सकते हैं, या इसमें हम लोग कितना रॉड जोड़कर हम लोग होल कर सकते हैं? ड्रिल मशीन में कितना रॉड जोड़ सकते हैं? 3 से 5 रॉड जो है हम लोग वो जोड़ सकते हैं। कितना रॉड जोड़ सकते हैं ड्रिल मशीन में? 3 से 5 रॉड जोड़ सकते हैं। और अगर इसकी बात करें कि 3 से 5 रॉड अगर हम जोड़ते हैं तो होल कितना गहरा मार सकते हैं? अगर 10 मीटर वाला रॉड है तो मैक्सिमम कितना जाएगा? 50 मीटर, है ना भाई? 30 मीटर से 50 मीटर। और अगर 12 मीटर वाला रॉड होगा तो कितना होगा? 36 से 12 50 60, मैक्सिमम 60 मीटर तक का होल हम लोग ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन से मार सकते हैं। ठीक है, अगर 10 मीटर वाला हुआ तो कितना होगा? 30 से 50। और अगर 12 मीटर वाला होल हो गया, जोड़ दिए तो कितना हो गया? 36 से 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें
कि ड्रिल मशीन को लेवल करने के लिए कितने हाइड्रोलिक जैक होते हैं, जो हम लोग का ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन जो है इसमें जो लेवल करते हैं ना, हम लोग इक्वल करते हैं मशीन को, उसके लिए जो हाइड्रोलिक जैक इसमें लगा होता है वो कितना लगा होता है? वो 3 लगा होता है दोस्तों। 3 हाइड्रोलिक जैक से हम लोग लेवल करते हैं, और एक जो हमारा ड्रिल का रॉड लगा रहता है उससे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जैक इसमें कितना लगा रहता है? 3। अब हम लोग बात करते हैं कि इस मशीन में जो जैक पैड लगा हुआ है उसका साइज से हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। तो उसका साइज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि जैक पैड का जो डाया है ना मेरा, वो कितना होगा? जैक पैड का डाया कितना होगा? 0.5 मीटर। और इसका अगर हम लोग हाइट का बात करें कि भाई मेरा जो जैक ब्लास्ट और ड्रिल मशीन जो है इसका जो जैक पैड है उसका हाइट कितना होगा, तो 0.6 मीटर होगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन क्या होगा कि इस जो ड्रिल मशीन है, ब्लास्ट और ड्रिल मशीन है, उसमें जो डस्ट को खींचकर, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि डस्ट को जो खींचता है, वो जो खींचकर जो जमा वाला जो डस्ट जो है मेरा, उसको जो खींच खींच कर जो बाहर निकालता है, वो जो व्यवस्था है, जो जुगाड़ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे हम लोग डस्ट एक्सट्रैक्टर। क्या बोलेंगे उसको? जो डस्ट को बाहर खींच के निकालता है उसको हम लोग बोलते हैं डस्ट एक्सट्रैक्टर। तो दोस्तों ये मेरा जो ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन था, इसको यहीं तक रोकता हूं। आशा करता हूं ये प्रयास आप लोग को पसंद आया होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात पुनः दोहराता हूं कि भैया मैं वही पॉइंटों को उठाया हूं ना कि जिससे कि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में डाल सकता है। आशा करता हूं यह प्रस्तुति आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। आप लोगों से पुनः गुजारिश है, आप लोग मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और कमेंट करिए दोस्तों। धन्यवाद।